मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो है उत्पादक के संतुलन से क्या अभिप्राय है। उत्पादक यानी कि फर्म भी लिखा हो सकता है इसकी जगह, फर्म के संतुलन से क्या अभिप्राय है। कुल आगम तथा कुल लागत, कुल आगम टोटल रेवेन्यू तथा कुल लागत टोटल कॉस्ट की मदद से उत्पादक या फर्म के संतुलन को समझाइए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस लैंग्वेज में आपको इसका आंसर बताना है। अगर लॉन्ग में आ गया तो कितना लिखेंगे कि आपको पूरा आंसर मिलेगा, तो आप देखिएगा पूरा वीडियो को, मैं पूरा का पूरा लिख के आपको बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँगा कि आपको कितना लिखना है और कैसे लिखना है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और एग्जामिनेशन में लिखने का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड मैं हूँ नकुल सर। चलिए उत्तर देखते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आपने तो आपकी गलती होगी, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले जो बताना होता है उत्पादक के संतुलन के अभिप्राय के बारे में, यानी कि संतुलन उत्पादक का संतुलन होता क्या है, इसकी मीनिंग के बारे में। उत्पादक या फर्म का संतुलन, हमेशा ध्यान में रखिए संतुलन का मतलब एक ऐसी अवस्था होती है जिसका मतलब होता है परिवर्तन ना होना, मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ इसके बाद कोई परिवर्तन हो नहीं होता या संभव नहीं होता है, उसे हम संतुलन की स्थिति बोलते हैं। तो एक उत्पादक का संतुलन होता है, उत्पादक मतलब फर्म यानी कि विक्रेता। एक फर्म संतुलन में तब होगी जब वो अपने उत्पादन स्तर में वृद्धि या कमी करने पर कुछ भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं होते, यानी कि एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ तक वो उत्पादन करता है उसके ज़्यादा या कम उत्पादन करने से उसको कोई अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, जितना हो रहा है उससे ज़्यादा नहीं होगा या उससे कम नहीं होगा, या यूं कहें जिस बिंदु पर उत्पादक को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कोई भी विक्रेता होता है, कोई भी उत्पादक होता है, यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर होता है, उसको जब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, मैक्सिमम प्रॉफिट जिस लेवल पर मिलता है उस लेवल को हम संतुलन बिंदु कहते हैं, कि उत्पादक का संतुलन बिंदु बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उत्पादों को सबसे अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। संतुलन बिंदु पर उत्पादक को या तो अधिकतम लाभ प्राप्त होता है या फिर न्यूनतम हानि। आप कहेंगे कि हमेशा लाभ का बिंदु होगा, नहीं, लाभ का बिंदु एक ऐसा का लाभ नहीं भी हो रहा है तब ऐसी स्थिति जब न्यूनतम हानि हो, यानी कि उससे कम ज़्यादा हानि की स्थिति नहीं हो, कम हानि की स्थिति होती है, तब उत्पादक जो है संतुलन की स्थिति में होती है। इसके मामले में प्रोफेसर हैंसन ने कहा था कि एक फर्म उस समय साम यानी कि संतुलन की स्थिति में होगी जब उत्पादन में वृद्धि या कमी करना उसके लिए लाभकारी नहीं होगा। एक ऐसी स्थिति पहुंचने के बाद उत्पादक ये सोचने लगता है कि मुझे ना ज़्यादा करना चाहिए ना कम करना चाहिए उत्पादन, ये लेवल हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, तो वही उत्पादक का संतुलन बिंदु होगा। तो थोड़ा सा हम यूँ समझे, उत्पादक का संतुलन मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जब उत्पादक को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, और अधिकतम लाभ का मतलब होता है कुल आगम और कुल लागत के बीच का अंतर। कुल आगम टोटल अमाउंट कितना बन रहा है माइनस उस वस्तु को बनाने में कितना लागत है, इन दोनों का जब अंतर जब सर्वाधिक होगा, जो सबसे ज़्यादा अंतर होगा, उस बिंदु पर उत्पादक संतुलन में होता है। ठीक है, अब इसी के आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल आगम तथा कुल लागत रीति द्वारा फर्म के संतुलन को बताइए। अब एक फर्म के संतुलन को आपको व्यक्त करना है जब आपके पास कुल आगम दिया हुआ हो TR और कुल लागत दे रखा हो TC यानी कि टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दिया हुआ हो। तो टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू की कंडीशन में, इस स्थिति में उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के हर एक लेवल पर कुल आगम और कुल लागत का अंतर निकाला जाता है, और यहाँ पर कुल आगम और कुल लागत का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट ही कैसा होता है जो कि बिजनेसमैन चाहता है, हर बिजनेस जो चलाया जाता है वो प्रॉफिट के लिए होता है। तो कुल आगम में से कुल लागत घटा देंगे तो प्रॉफिट मिलेगी, और ये प्रॉफिट जो है अलग अलग उत्पादन के स्तरों पर अलग अलग होगी,
उत्पादन का लेवल बढ़ रहा है, उसको सेल कर रहे हैं तो जो प्राप्त हो रहा है उसकी लागत को घटा देंगे तो लाभ जो प्राप्त निकलेगी अलग अलग लेवल पर अलग अलग से होती चली जाएगी। यानी कि लाभ अलग अलग स्तर पर सेम नहीं हो सकता, वो पॉसिबिलिटी उसकी कमी होती है। ऐसे में जिस बिंदु पर एक उत्पादक का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है उस बिंदु को उत्पादक का संतुलन बिंदु होगा। यानी कि जब हम अलग अलग लाभ निकाले जाएंगे और उस लाभ को अंतर निकालेंगे तो जब से जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंतर आएगा, मान लीजिए ये हो गया क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया आपका रेवेन्यू और ये हो गया TC, अब निकालेंगे हमें प्रॉफिट। ठीक है ना, रेवेन्यू है 10, बनाने का कॉस्ट कितना है 8, तो प्रॉफिट हो रहा है 2। रेवेन्यू हो रहा है 15, बनाने का लागत जो है 7 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 8। टोटल रेवेन्यू हो गया 40, बनाने की लागत कितनी है 20, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 20। टोटल रेवेन्यू हो रहा है 50, कॉस्ट हो रहा है 24, बनाने की लागत कितनी हो रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 26। फिर हो रहा है टोटल रेवेन्यू हो गया 55, टोटल कॉस्ट हो गया 30, तो ये कितना हो गया 25। फिर है पॉइंट बी में टोटल रेवेन्यू हो गया 56, टोटल कॉस्ट हो गया 35, तो ये हो गया हमारा 21। फिर होगा टोटल रेवेन्यू 60, टोटल कॉस्ट हो गया 40, तो ये हो गया 20। यानी कि एक ऐसा लेवल जहाँ पर उत्पादक को सर्वाधिक लाभ की प्राप्ति होती है, यानी कि इस वाला पॉइंट, ठीक है ना, जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। इसके बाद प्रोड्यूसर करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ने की बजाय क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति को आप इक्विलिब्रियम लेवल पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर ही जो है उत्पादक क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। अब रेखा चित्र के माध्यम से भी व्यक्त करना है तो यहाँ समझिए, ये जो सीधा पॉइंट है टोटल आर का हम मानेंगे टोटल एयर बढ़ रहा है, जो कॉन्स्टेंट लेवल में बढ़ रहा है, जो टोटल, जबकि टोटल कॉस्ट जो होता है, कुल लागत जो होती है, कभी बढ़ती हुई होती है, कभी घटती हुई होती है, फिर बढ़ती हुई होती है। लेकिन जहाँ पर ये वाला पॉइंट है, जहाँ पर TC या TR बराबर हो रहा है, ये वाला पॉइंट में TC TR बराबर है और इसका बीच का जो ये लेवल है, यहाँ पर जो है वो लाभ कमा रहा है, तो ये तो समझ में आ गया। तो हमें बताना है उत्पादक संतुलन कहाँ पर हो। आप देखिए, जब लाभ कमा रहा है तो ये M और C वाला जो पॉइंट है, MC, ये जो MC है, ये बता रहा है कि उपभोक्ता को, सॉरी उत्पादक को सर्वाधिक लाभ की प्राप्ति हो रही है। इस पॉइंट पर उत्पादक को सर्वाधिक लाभ की प्राप्ति होगी, जो कि, और ये जो है A और B के अंदर भी है, यानी कि यहाँ पर लागत ज़्यादा नहीं है, आगम ज़्यादा है, आगम की तुलना में लागत इस बिंदु के बीच में कम होता है। इस तरीके से ये जो पॉइंट होगा उत्पादन का मूल्य होगा और ये उत्पादन की मात्रा होगी और ये संतुलन स्तर बिंदु होगा, यानी कि MC, ये जो है अधिकतम लाभ की स्थिति है, अधिकतम लाभ। तो अधिकतम लाभ होगा जो उत्पादक का संतुलन होगा, उत्पादक का संतुलन होगा OQ, ये वाला पॉइंट O और Q, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको ब्रीफली लिखना है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना है, तो आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।